सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। गुड इवनिंग और जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट में आइए और जय हिंद से शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्लास की। और एक बार दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चलते हैं। आज हम लोगों का एक नया चैप्टर है और जिसका नाम है डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोगों का एक नया चैप्टर है जिसका नाम है डायरेक्शन दोस्तों, और इसको कहते हैं दिशा परीक्षण। आज हम लोग जो दोस्तों पढ़ेंगे वो नया चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोस्तों। दूसरा चैप्टर हम लोगों का है दिशा परीक्षण, या फिर जिसको कह दीजिए आप डायरेक्शन। तो दोस्तों अगर आप लोग पहली क्लास नहीं देखे हैं, अर्थात पहला चैप्टर नहीं देखे, तो उसको देख लीजिएगा। पहले चैप्टर में हमने दोस्तों बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग, अर्थात अक्षरों की कोडिंग करके जब दूसरे वर्ड बनाए जाते हैं तो उनको डिकोड कैसे किया जाता है, ये हमने बताया था दोस्तों। तो आज उसी क्रम में अगला चैप्टर हम लोगों का है दोस्तों दिशा परीक्षण। ठीक, तो आज हम लोग नए चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, कमेंट में आ जाइए। नितिन राठौर जय हिंद, जय हिंद। एक बार जल्दी दोस्तों जय हिंद सब लोग लिखिए। नितिन, आस्तिक, नितेश, अभी, विशाल, नीरज, राजन, रौनक, विशाल, नितेश, नवीन, कपिल और बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों। तो आज हम लोग जो है चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक डायरेक्शन। देखिए दोस्तों, डायरेक्शन का मतलब होता क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। डायरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों दिशा। डायरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों दिशा। और दिशा हमारे पास कितनी है बताइए दोस्तों, दिशा हमारे पास कितनी है? तो हम जानते हैं दोस्तों हमारे पास जो दिशाएं हैं ना, हमारे पास जो दिशाएं हैं दोस्तों 8 दिशा है। कितनी दिशा है दोस्तों? 8 दिशा है हमारे पास। और वो 8 दिशा कौन कौन सी है मैं बता रहा हूं दोस्तों। हमारे पास दोस्तों 8 दिशाएं हैं, और 8 दिशाएं कौन कौन सी हैं मैं बता रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है दोस्तों, एकदम आसान है। बस समझिएगा, केवल समझिएगा दोस्तों, हमारे पास 8 दिशाएं हैं और वो 8 दिशाएं कौन कौन सी है दोस्तों हम लिख रहे हैं। सुनिएगा दोस्तों, एक चीज तो हम लोग जानते ही हैं कि जब हम सूर्य की तरफ मुख करके खड़े होते हैं दोस्तों, तो हमारा जो फेस रहता है वो पूर्व की तरफ रहता है, जो हमारी पीठ रहती है वो पश्चिम रहती है, जो हमारा इधर वाला हाथ है वो हमारा उत्तर रहेगा, जो इधर वाला हाथ है वो हमारा दक्षिण रहेगा दोस्तों। तो अर्थात हमको पता है दोस्तों, जब हम इसको मैप में बनाते हैं या फिर जब कॉपी में बनाते हैं दोस्तों, तो ये हमारा पूर्व रहता है दोस्तों, ये हमारा पश्चिम रहता है दोस्तों, ये हमारा उत्तर रहता है और ये हमारा दक्षिण रहता है दोस्तों। आप कुछ देर समझिए दोस्तों, अभी मत लिखिएगा, जब मैं बोलूं तब लिखिएगा दोस्तों, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और निश्चित ही दोस्तों पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये 4 दिशा तो सबको पता होगी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दोस्तों। अब जो 4 शेष दिशा है देखिए दोस्तों, ये पूरब है और ये दक्षिण है दोस्तों, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों पूर्व दक्षिण। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह दोस्तों ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दक्षिण, या फिर दोस्तों दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगी दोस्तों पश्चिम दक्षिण। उसी तरह दोस्तों अगर इस दिशा की बात की जाए, तो ये उत्तर है दोस्तों, ये पश्चिम है, तो ये दिशा हमारी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। और वही दोस्तों अगर हम इस दिशा की बात करें, अगर हम इस दिशा की बात करें, तो ये दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हमारा उत्तर है और ये पूर्व है, तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तर पूर्व।
एक चीज तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किधर है हमारी, अर्थात दोस्तों हम लोगों के पास ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, उसी तरह दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट है और ये दोस्तों नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका ईस्ट साउथ है दोस्तों और ये आपका वेस्ट साउथ है, अर्थात दोस्तों आठ दिशा हमारे पास है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और इसकी नोट्स आप बनाइएगा, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। पहला चीज ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कह रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर चलता है तो अर्थात अगर हम यहां पे हैं दोस्तों पूर्व की ओर चलता है तो इधर चलेंगे, अगर कह रहा है कि वह उत्तर की ओर चलता है तो दोस्तों उत्तर की ओर इधर चलेंगे, अगर कह रहा है कि वह पश्चिम की ओर चलता है तो पश्चिम की ओर अर्थात इधर चलेंगे, और उसी प्रकार अगर कह रहा है दक्षिण की ओर चलता है दोस्तों तो दक्षिण की ओर अर्थात नीचे चलेंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ है दोस्तों। किसी को कहीं समस्या हो दिशा समझने में तो कमेंट करिए दोस्तों, बताइए कि कहां दिक्कत हो रही है। मतलब पूर्व कह रहा है, पूर्व की ओर कह रहा है तो अर्थात हम इधर जाएंगे, पश्चिम की ओर कह रहा है तो इधर जाएंगे, उत्तर की ओर कह रहा है तो ऊपर जाएंगे, और दक्षिण की ओर कह रहा है दोस्तों तो कहां जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक चीज और दोस्तों, एक चीज और इसकी ट्रिक समझ लीजिए दोस्तों। जो घड़ी चलती है दोस्तों दो तरह से चलती है, कैसे चलती है, एक तो दोस्तों घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है और ऐसे चलती है दोस्तों। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका CW है यानी क्लॉकवाइज है, और एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये और ये दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज ACW है दोस्तों, अर्थात दो तरह से होता है, एक आपका क्लॉकवाइज होता है और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है दोस्तों। तो जब भी आपसे कहे कि लेफ्ट घूम जाइए, किधर घूम जाइए दोस्तों, लेफ्ट घूम जाइए, तो लेफ्ट का मतलब होता है दोस्तों कि दाएं घूम जाइए, क्या लेफ्ट का मतलब होता है दोस्तों दाएं घूम जाइए, और राइट का मतलब होता है दोस्तों बाएं घूम जाइए। लेफ्ट का मतलब होता है दोस्तों दाएं घूम जाइए, राइट का मतलब होता है दोस्तों बाएं घूम जाइए, अर्थात जब क्लॉकवाइज चलेगा, कहां चलेगा दोस्तों, अगर क्लॉकवाइज चल रहा है दोस्तों तो क्लॉकवाइज में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा, उल्टा लिख दिया हमने, ठीक, क्लॉक अर्थात दोस्तों कह रहा है अगर लेफ्ट घूम जाइए, किधर घूमने की बात कर रहा है दोस्तों, अगर आपसे कह रहा है कि लेफ्ट घूम जाइए दोस्तों तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज का मतलब लेफ्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों बायां, और राइट का मतलब हो गया दोस्तों दायां, ठीक। तो दोस्तों अगर आपका क्लॉकवाइज घूमेगा तो जान लीजिएगा कि आप किधर घूम रहे हैं, राइट घूम रहे हैं, और वहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा दोस्तों तो आप किधर घूम रहे हैं, आप लेफ्ट घूम रहे हैं। दो चीज याद रखिएगा, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोस्तों घड़ी हमारी जिधर चलती है, जिधर हमारी घड़ी चलती है दोस्तों, आप अपनी घड़ी देख लीजिए तो देखिए ऐसे चलेगी, ठीक, तो जब ऐसे चलेगी दोस्तों तो अर्थात अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो घड़ी की दिशा में चल रहे हैं दोस्तों, और घड़ी की दिशा में चलेंगे दोस्तों तो हम लोग किस दिशा में चलेंगे, देखिए राइट चलेंगे, और दोस्तों अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो किधर चलेंगे दोस्तों, लेफ्ट चलेंगे। तो ये चीज है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपको समझाते हैं आगे। देखिए दोस्तों पहला नियम, टोटल तो इसमें 9 नियम है दोस्तों, दिशा परीक्षण में या फिर डायरेक्शन चैप्टर में दोस्तों टोटल 9 नियम है। कितने नियम है दोस्तों, 9 नियम है, लेकिन एयरफोर्स की दृष्टि से दोस्तों हम लोगों को केवल 5 नियम पढ़ना है। जी हां दोस्तों, हम लोगों को केवल 5 नियम पढ़ना है, और वो 5 नियम क्या है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पता चलेगा कि वो 5 नियम क्या है दोस्तों जिस पर प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला नियम, अगर हम टाइप 1 की बात करें तो पहला नियम है दोस्तों जिसमें दिशा दी गई हो, क्या है दोस्तों, दिशा दी गई हो
और दिशा दी गई हो का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हमको दिशा दी गई है कि क्या कह रहा है सुनिएगा, या फिर दोस्तों कह दीजिए घूमने पर आधारित। अब ये बताइए, हमारी बात समझिएगा दोस्तों और इसको फील कीजिएगा, मैं खड़ा हूं, ठीक, मैं खड़ा हूं दोस्तों। अब अगर कोई कह दे दोस्तों कि हम चार लेफ्ट घूमते हैं तो देखिए, या हम बाएं घूमते हैं तो दोस्तों, अगर अभी हमको कोई कह दे कि आप बाएं घूम जाइए तो क्या करेंगे दोस्तों, बाएं घूम गए। देखिए अभी ये खड़ा हूं, कहेगा बाएं घूमिए तो मैं घूम गया, कितनी बार घूमा, एक बार। बोला फिर से बाएं घूमिए तो फिर मैं घूम जाऊंगा दोस्तों, दो बार। फिर बोलेगा फिर से बाएं घूमिए तो फिर दोस्तों फिर मैं घूम जाऊंगा, अर्थात तीन बार। फिर दोस्तों फिर कहेगा कि फिर से बाएं घूम जाइए तो फिर घूम जाऊंगा दोस्तों, कितनी बार, चार बार। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अगर हम चार बार अगर हम एक ही तरफ घूम जाएं दोस्तों, चार बार अगर हम एक ही तरफ घूम जाएं, जो जिधर देखते रहेंगे उधर ही देखते रह जाएंगे, ठीक। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अगर आप एक ही दिशा में चार बार घूम जाते हैं तो आप फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। मतलब अगर अभी यही चीज होता और कहता दाएं घूम जाइए, तो देखिए एक बार दाएं घूम गया, एक बार हुआ, फिर देखिए दोस्तों दो बार हो गया, ठीक, दो बार दाएं हो गया ना। अब देखिए दोस्तों तीन बार दाएं हो गया और अब चार बार दाएं हो गया। मतलब दोस्तों चाहे आप चार बार दाएं घूमिए चाहे आप चार बार बाएं घूमिए, आपकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही चीज याद रखिएगा दोस्तों। क्या बोला हमने दोस्तों, हमने बोला कि चाहे आप चार बार दाएं घूम जाइए और चाहे आप चार बार बाएं घूम जाइए, आपकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। किसी को कहीं दिक्कत है, अगर आप चार बार दाएं घूमेंगे तब भी आप जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में चलते रहेंगे। मतलब सुनिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, वह छह बार दाएं घूमता है और चार बार बाएं घूमता है तो वह किस दिशा में चल रहा है, बताइए दोस्तों। एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, छह बार दाएं घूमता है, चार बार बाएं घूमता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है, बताइए दोस्तों। एकदम आसान है, कुछ है नहीं, मैं अभी तुरंत मुश्किल से आप 3 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 3 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक बार जल्दी से आप लोग जय हिंद बोलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद बोलिए, एक बार जल्दी से लाइक करिए दोस्तों। चलिए शुरू करिए दोस्तों, अभी मैं देख रहा हूं दोस्तों केवल 8 लाइक है, तो इसको बढ़ाइए दोस्तों, चलिए शुरू करिए, जल्दी करिए। तो देखिए दोस्तों, क्या केवल आपको ये देखना है कि कितनी बार और किस दिशा में घूम रहा है, बस केवल आपको दोस्तों ये देखना है कितनी बार किस दिशा में घूम रहा है। तो कह रहा है दोस्तों 6 बार दाएं, तो अर्थात 6 बार दाएं घूम रहा है दोस्तों, फिर 4 बार बाएं, अर्थात 4 बार कहां घूम रहा है दोस्तों, बाएं घूम रहा है। तो कह रहा है किस दिशा में चल रहा है, शुरू में किस दिशा में चल रहा था दोस्तों, उत्तर, ठीक। अब सुनिए दोस्तों, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिल जाए कि इतनी बार बाएं घूमता है इतनी बार दाएं घूमता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, बताऊं मैं मिटाऊं, सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न में आ जाए कि इतनी बार बाएं घूमता है इतनी बार दाएं घूमता है, तो अर्थात क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप इसको काट दीजिए, 4 बाएं से 4 दाएं आपका कट जाएगा, अर्थात बचेगा क्या दोस्तों, 2 बार दाएं। सुनिएगा दोस्तों, मतलब क्या हुआ, अगर मैं खड़ा हूं और कहा जाए
कि मैं एक बार बाएं घूमता हूं तो एक बार बाएं घूम गया, फिर कह दिया जाए कि एक बार दाएं घूमता हूं तो फिर दोस्तों दाएं घूमूंगा फिर वहीं आ जाऊंगा। मतलब बाएं से दाएं वाला क्या होता है दोस्तों, कट जाता है। तो चार बार बाएं से चार बार दाया कट जाएगा दोस्तों हमारे पास गया। इसका मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तर, उत्तर का मतलब यही हुआ दोस्तों, ये किस तरफ है दोस्तों, उत्तर है, और उत्तर के बाद दो बार दाएं घूम गया, दाएं का मतलब एक बार दाएं जब घूमेगा दोस्तों, उत्तर से एक बार दाएं घूमेगा तो ये पहुंच जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ दोस्तों, उत्तर से एक बार दाएं घूमेगा तो दक्षिण पहुंच जाएगा, और दक्षिण से फिर एक बार दाएं घूमेगा तो ये दोस्तों किधर पहुंच जाएगा, ये आपका देखिए यहां पे है दोस्तों, ये था आपका उत्तर, देखिए ये था आपका पूर्व, ये था आपका पश्चिम, ये था आपका दोस्तों उत्तर, और ये था आपका दक्षिण। तो क्या कह रहा है, उत्तर से दो बार दाएं घूम गया, अर्थात उत्तर से जब एक बार घूमेगा दोस्तों तो पूरब की तरफ पहुंचेगा, और उसके बाद दोबारा जब घूमेगा दोस्तों तो किधर पहुंचेगा, दक्षिण की तरफ पहुंचेगा दोस्तों। अर्थात उत्तर से वो दो बार दाएं घूम गया, तो जब उत्तर, अगर मान लीजिए ये दोस्तों उत्तर होता तो उत्तर से दोस्तों दो बार दाएं घूमता, अर्थात एक बार दाएं घूमा तो उत्तर के बाद किधर पहुंचा दोस्तों, पूर्व पहुंच गया, और उसके बाद एक बार और घूमा दोस्तों तो पूर्व के पास दोस्तों, यहां पे देखता हूं, पूर्व के पास बाद दोस्तों कहां पहुंच गया, दक्षिण में पहुंच गया। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि किस दिशा में वो चल रहा है दोस्तों, किस दिशा में चल रहा है, इसका मतलब हुआ दोस्तों वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों। अभी नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, एक प्रश्न और देखिए, एक प्रश्न और देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा होगा दोस्तों ये प्रश्न, एक प्रश्न देखिए दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर लगा होगा तो ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर वो ना आया हो कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं दूसरा प्रश्न। मैंने कहा दोस्तों आप सिर्फ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और समझाने का काम हमारा है। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक हम समझाएंगे दोस्तों, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा होगा, कह रहा है एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया दोस्तों, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, तो एक लड़का था और वो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया दोस्तों, चूंकि पश्चिम ये है ठीक, आप केवल यही याद रखिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दोस्तों। तो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ा दोस्तों, किधर मुड़ा दोस्तों, दाईं ओर मुड़ा। और हमने कहा दोस्तों अगर आपसे कहता है बाईं ओर मुड़ा, अगर दोस्तों अगर आपसे कहता है बाईं ओर मुड़ा तो इसका मतलब दोस्तों आप घड़ी की दिशा में घूमेंगे, अगर आपसे कहता है दाईं ओर मुड़ा तो घड़ी के विपरीत घूमेंगे दोस्तों। अर्थात हमने देखा क्या दोस्तों, हमने देखा कि ये इधर जा रहा है और घूम के घूमना किधर है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों दाईं ओर मुड़ा। तो एक चीज आप याद रखिए अगर कोई इधर जा रहा है दोस्तों तो जो आपका जो दाया होगा, इसका दाया जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा दाया और ये हो जाएगा दोस्तों बायां। लेकिन अगर कोई इधर जा रहा है दोस्तों तो यही चीज उल्टा हो जाता है, अर्थात ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। तो प्रश्न में कह रहा था आपके कि एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया दोस्तों, और कह रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ा। और हमने कहा दोस्तों कि अगर इधर चल रहा है तो अगर इधर चल रहा है दाया क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर, अर्थात वह दाईं ओर मुड़ा दोस्तों, किधर मुड़ गया दोस्तों, दाईं ओर मुड़ा। फिर क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा, बताइए वो अब किस दिशा में जा रहा है, मतलब कहां कहां मुड़ा। देखिए दोस्तों मैं लिख रहा हूं, पश्चिम की ओर जा रहा था, किधर जा रहा था दोस्तों, पश्चिम की ओर जा रहा था, एक बार वो दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा और अंत में वह बाईं ओर मुड़ा, तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। यही है प्रश्न, पश्चिम की ओर जा रहा था दोस्तों, एक बार दाईं ओर मुड़ा, पुनः दाईं ओर मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा, बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों। तो देखिए बाएं से दाया कट गया हमारा, बाएं से दाया कट गया, हमारे पास बचा क्या दोस्तों, दाया बचा। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब पश्चिम का दाया,
पश्चिम का दाया दोस्तों, अर्थात वह व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा था और पश्चिम का दाया जब घूम गया दोस्तों, तो अर्थात वह व्यक्ति किधर पहुंच गया दोस्तों, उत्तर की ओर पहुंच गया। किधर पहुंच गया दोस्तों, मतलब दाया, पश्चिम का दाया जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखिए ये आपका पश्चिम है दोस्तों और पश्चिम का दाया क्या है दोस्तों, पश्चिम का दाया है उत्तर। ये बताइए आप बाया और दाया समझ में आ रहा है कि नहीं, कंफ्यूजन यही पे होते हैं दोस्तों, बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है बाएं और दाएं में कंफ्यूजन होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि जिस हाथ से आप लिखते हो दोस्तों वो आपका दायां हाथ होता है, ठीक, जिस हाथ से आप लिखते हो वो आपका दायां हाथ होता है। बहुत सारे बच्चे इस हाथ से लिखते हैं, उल्टे हाथ से, तो जो उल्टे हाथ से लिखता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका सीधा हाथ होता है दोस्तों वो आपका दाएं तरफ होता है और जो आपका उल्टा हाथ होता है दोस्तों वो आपका बाएं तरफ होता है। यही आप याद रखिए बस, जब भी प्रश्न बने दोस्तों तो आप अगर दाया कह रहा है तो अपने सीधे हाथ की तरफ और बाया कह रहा है दोस्तों तो अपने उल्टे हाथ की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पर लगवाता हूं दोस्तों, देखिएगा क्या है दोस्तों, एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और लगवाता हूं। लिखा है मीना उत्तर की ओर जा रही है दोस्तों, किधर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। जब तक नहीं समझ में आएगा दोस्तों तब तक बताया जाएगा, जब समझ में आ जाए दोस्तों जय हिंद का कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, जब समझ में आ जाए तो जय हिंद का कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, मीना उत्तर की ओर जा रही है दोस्तों, किधर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। चलिए ठीक है, वह तीन बार दाईं ओर मुड़ती है, तीन बार किधर घूमी दोस्तों, दाईं ओर घूमी, और कह रहा है कि मुड़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, और फिर किधर घूम जाती है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा में जा रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर की ओर जा रही थी और तीन बार दाईं ओर घूमी दोस्तों, एक बार बाईं ओर घूमी, तो अब वह किस दिशा में जा रही है, तो दोस्तों इसको घटा दीजिए, अर्थात वो दो बार कहां घूमी दोस्तों, दो बार दाईं ओर घूम गई। अब उत्तर का दाया, तो हमने कहा दोस्तों दाया अगर कह रहा है तो जिस हाथ लिखते हैं उधर ही घूमना है, तो उत्तर के दाएं एक बार घूमेंगे तो पूर्व में पहुंचेंगे और पूर्व के दाएं एक बार और घूमेंगे दोस्तों दक्षिण पहुंचेंगे, अर्थात दो बार जब घूम जाएगी तो किस तरफ चलने लगेगी दोस्तों, किस तरफ चलने लगेगी, दक्षिण की तरफ चलने लगेगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों बताइए, देख रहा हूं दोस्तों बहुत सारे सही जवाब दे रहे हैं, विशाल, अभिषेक, नितिन, कपिल, नवीन, आयुष, रौनक, तुलसी, अनुज, देख रहे हैं दोस्तों आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, नीरज, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं और सारे बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब लग रहा है दोस्तों समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, इसका आप लोग बताइए दोस्तों, समझ में आना चाहिए, एकदम लगना चाहिए दोस्तों कि एयरफोर्स के बंदे हैं हम लोग। एक बार जल्दी से लाइक करिए दोस्तों, लाइक देख रहा हूं तो लाइक कम है दोस्तों, एक बार जल्दी से लाइक करिए, एक बार जल्दी से शेयर करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, देखिए दोस्तों बताइए उसका कमेंट क्या होगा। कह रहा है कि आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, यह बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, बताइए दोस्तों। आप लोग कमेंट करिए, आप लोग उत्तर का कमेंट करिए, तब तक मैं लिखता हूं क्या दिया है। पूर्व की ओर जा रहे हैं, आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं और फिर बाएं मुड़ते हैं, तो आप किस तरफ जा रहे हैं, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या होगा। तो देख रहा हूं दोस्तों अभी तक कमेंट नहीं आया दोस्तों, हाँ सही कमेंट आ रहा है, आने लगा दोस्तों, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। अर्थात देखिए दाएं से बायां कट जाएगा आपका, बचा क्या, दायां बचा, इसका मतलब दोस्तों पूर्व का दाया दोस्तों क्या है, दक्षिण है, इसका मतलब कि आप किस तरफ जा रहे हैं दोस्तों, आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, अर्थात जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मतलब लग रहा है दोस्तों कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। चलिए अच्छा एक प्रश्न और देते हैं, विशाल कह रहे हैं सर एक प्रश्न और दीजिए, चलिए दोस्तों एक प्रश्न और आपको देते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है दोस्तों, आप लोग बताइए क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर लगा होगा। कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है
और भागता है, फिर अपनी दाई ओर घूमता है और अंत में बाई ओर घूमता है, अब वह किस दिशा में भाग रहा है? ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका जवाब दीजिए, तब तक मैं लिखता हूं कि कहां कहां घूम रहा है। दोस्तों एक बार दाई ओर घूमता है, फिर वह अपनी दाई ओर घूमता है और अंत में दोस्तों बाई ओर घूमता है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए दोस्तों। तो देख रहा हूं दोस्तों सही जवाब दे रहे हैं अजय, किशन, अभिषेक, आयुष, ठीक है सही जवाब है आप लोगों का। तो दोस्तों देखिए, दाएं से बायां कट जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या? दायां बचेगा, इसका मतलब दक्षिण का दायां दोस्तों, और दक्षिण का दायां क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है दोस्तों लड़का, वो किस तरफ जो है किस दिशा में भाग रहा है? पश्चिम की ओर भाग रहा है दोस्तों, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये सारे, इसमें बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों, इसमें मैं ये सीट है आपको मैं दूंगा दोस्तों, और हर नियम का मैं बताऊंगा। तो ये नियम समझ में आया कि नहीं दोस्तों? इसको मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको दूंगा भी पीडीएफ इसकी दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल पर और उस पर व्हाट्सएप पर दोनों पर मिल जाएगी दोस्तों। देखिए विवेक जी से बोला हूं, अगर जो है अभी रात में अपलोड कर देंगे तो रात में, नहीं तो आपको कल सुबह तक जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। ठीक, कल सुबह तक इसकी पीडीएफ आपको पक्का मिल जाएगी। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद कल हम आगे का क्वेश्चन बताएंगे। तो जैसे दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों, चलिए दूसरा नियम देखते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या है दोस्तों, आज के हम लोग टाइप टू पर देखते हैं, हम लोगों को पांच टाइप पढ़ना है दोस्तों। और दूसरा टाइप देखते हैं क्या है, दूसरा टाइप देखिएगा दोस्तों। दूसरे टाइप का मतलब है दोस्तों, अगर आपको स्टार्टिंग ना दी जाए, मतलब अभी तक दिया जा रहा था दोस्तों कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर भागना शुरू करता है, वो दाएं घूमा, बाएं घूमा, ये घूमा, वहां घूमा, फिर यहां पहुंच गया दोस्तों। ठीक, अब आपको ये नहीं बताएगा दोस्तों कि कहां से चलना प्रारंभ हुआ। एक आदमी चलना प्रारंभ करता है, वो एक बार दोस्तों, एक बार वो दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, और अब वह पश्चिम की ओर जा रहा है, अब वह पश्चिम की ओर जा रहा है। तो यह बताइए कि वह आदमी कहां से चला था? जी हां दोस्तों, वह आदमी कहां से चला था? जी हां दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, जैसे आपने नियम एक में किया, टाइप वन में किया दोस्तों, उसी तरह आपको टाइप दो में भी करना है। काट दीजिए, क्या कट रहा है? दाएं से बायां कट गया दोस्तों, फिर कुछ कटा नहीं दोस्तों, अर्थात दो बार दाएं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि वो जिधर से जा रहा था, इधर से अगर दो बार दाएं घूमता दोस्तों, तो कहां पहुंचता दोस्तों? पश्चिम की ओर पहुंचता। हमने कहा दोस्तों आप प्लस बना लीजिए, ये आपका पूर्व है, ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका रुक जाएगी दोस्तों, ये दक्षिण है और ये आपका उत्तर है। कह रहा है दोस्तों पश्चिम की ओर जा रहा है, अभी की टाइम पश्चिम की ओर जा रहा है और दो बार दाएं घूमा। तो दोस्तों अगर आपको ऊपर वाला ना दिया गया रहे, सुनिएगा यही केवल एक लाइन आपको समझना है दोस्तों, अगर ऊपर वाला ना दिया रहे, नीचे वाला दिया रहे, तो जो आया रहेगा इसको आप पलट दीजिए। दायां लिखा रहेगा तो बायां कर दीजिए, और बायां लिखा रहेगा तो दायां कर दीजिए। समझे कि नहीं दोस्तों? अगर ऊपर वाला ना दिया रहे, अर्थात अगर प्रारंभिक स्थिति ना पता हो, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं दोस्तों, अगर प्रारंभिक स्थिति ना पता हो तो काटने के बाद जो मान आया रहेगा उसको पलट देते हैं। जी हां दोस्तों, काटने के बाद जो मान आया रहेगा उसे पलट देते हैं, तो अर्थात दाया था तो इसको बाया कर देंगे। अब पश्चिम के दो बार बाएं घूमिए, तो पश्चिम ये है दोस्तों और दो बार बाएं घूमना है हमको। तो देखिए दाएं घूमते थे तो अर्थात अपने सीधे हाथ की, मतलब कि सीधे हाथ की तरफ जाते थे, और बाएं घूम रहे दोस्तों तो उल्टे हाथ की तरफ एक बार घूमे और दो बार घूमे, अर्थात किस तरफ चलने लगे दोस्तों? किस तरफ? पूर्व। इसका मतलब दोस्तों जो आदमी चलना शुरू किया था वो कहां से चलना शुरू किया था दोस्तों? पूर्व से चलना शुरू किया था। कहां से चलना शुरू किया था दोस्तों? पूर्व से चलना शुरू किया था। समझ में आ गया हो दोस्तों? समझ में आ गया हो तो एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों। देख रहा हूं कि आज हमने बोला नहीं दोस्तों जय हिंद करने को, तो आप लोग जय हिंद किए नहीं दोस्तों। एक बार जल्दी से दोस्तों इसको जो है जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से दोस्तों जय हिंद लिखिए, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों,
एक सूचना आपको दे दें दोस्तों, सोमवार से कल तो आपकी मैराथन की क्लास चलेगी ही, कल आपकी 2 घंटे की मैराथन की क्लास रहेगी 10 बजे से 12 बजे तक दोस्तों। और मंडे से आपका जो 4 बजे वाला टाइमिंग है दोस्तों, जो 4 बजे आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, वो प्रैक्टिस सेट अब सुबह करवाया जाएगा दोस्तों 11 बजे। हाँ दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट आपका 4 बजे करवाया जाता है, मैं उसको बंद करने वाला था, लेकिन कई बच्चे कहे नहीं सर बंद मत कीजिए, तो उसको हमने सुबह कर दिया दोस्तों। तो वो आपका सुबह चलेगा, आपका वही जो सुबह इंग्लिश वाली क्लास है उसी के बाद दोस्तों। तो सुबह 11 बजे से आपकी क्लास चलेगी, अर्थात 10 बजे से आपकी इंग्लिश, 11 बजे आपकी जो है प्रैक्टिस, और शाम को 7 बजे आपकी रीजनिंग चलती ही है दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और इसका जवाब आप बताइएगा। एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, वो 4 बार दाएं घूमता है, 2 बार बाएं घूमता है, और उसके बाद 1 बार फिर दाएं घूमता है, और फिर दो बार बाएं घूमता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह पूर्व की ओर जा रहा है, तो वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? जी हाँ दोस्तों, बताइए आप लोग इसका क्या होगा। अब वह पूर्व की ओर जा रहा है, तो वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? मजा आ रही दोस्तों, तो लाइक करिए, जय हिंद लिखिए दोस्तों, मजा आ रही दोस्तों, जय हिंद लिखिए। देख रहा हूं एकदम सन्नाटा दोस्तों, क्या बताए दोस्तों, एकदम परेशान कर देते हैं आप लोग, एकदम परेशान कर देते हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं आप लोग। और बताइए आप लोग जो है ऐसे करेंगे, जय हिंद करिए दोस्तों। चलिए जितने लोग कमेंट नहीं किए दोस्तों, सब लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक नहीं होगा दोस्तों, जय हिंद जल्दी से एक बार सब लोग करिए दोस्तों, और लाइक करिए एक बार जल्दी से दोस्तों। देखिए 4 बार दाएं घूम रहा है, 2 बार बाएं घूम रहा है, 2 बार, तो बाएं टोटल कितनी बार घूमा दोस्तों? तो देख रहा हूं दोस्तों 4 बार बाएं घूम रहा है, और 4 और 1 5 बार दाएं घूम रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, जब इसको घटा देंगे दोस्तों तो क्या आ गया, 1 बार दाएं। जी हाँ दोस्तों, 1 बार दाएं। इसका मतलब दोस्तों 1 बार दाएं घूमने पर वह किस दिशा में आ गया, पूर्व की ओर आ गया। और हमने कहा दोस्तों, जब आपको उल्टा निकालना हो, मतलब जब आपको ऊपर वाला निकालना हो, नीचे वाला दिया गया हो दोस्तों, तो जो आया रहेगा दाएं आया रहेगा तो बाएं कर दीजिए, और बायां आया रहेगा दोस्तों दायां कर दीजिए। तो अब देखिए दोस्तों, अर्थात पूर्व के बाएं, तो पूर्व के बाएं क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर पूर्व के दाएं कहता तो नीचे जाते, और बाएं कह रहा तो इसलिए ऊपर जाएंगे। अर्थात वह व्यक्ति किस दिशा से चलना शुरू किया दोस्तों, वह व्यक्ति उत्तर से चलना शुरू किया। कहां शुरू किया दोस्तों, उत्तर से चलना शुरू किया। किसी को कोई समस्या हो दोस्तों बताइए, मैं देखता हूं इस नियम का, अगर कोई प्रश्न आपको मिलता देखता हूं तो आपको देता हूं मैं, देखिएगा। चलिए दोस्तों, नहीं मिल रहा है तो ये दो क्वेश्चन हमने बताया दोस्तों, होमवर्क आपको मैं उसमें दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में देख लूंगा, इसमें अगर मिलेगा ठीक है, नहीं तो मैं कहीं और से जो है, मैंने कहा दोस्तों आपके लिए हर जगह से एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो सारे प्रश्न आपको दिए जाते हैं दोस्तों, आपके लिए इतना किया जाता है, तो आपका जो कर्तव्य है दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा, आपका दिल जो करे दोस्तों आप वो करिए। इसीलिए मैं अब बोलना छोड़ दिया हूं दोस्तों, नहीं तो पहले मैं बोलता था, बार बार बोलता था, हर क्वेश्चन के बाद मैं बोलता था दोस्तों कमेंट करिए, जय हिंद करिए। तो दोस्तों अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मैं भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूं, चूंकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, और जो नहीं पढ़ना चाहते दोस्तों ना पढ़िए। अब उसमें देखिए मैं तो कुछ कर नहीं सकता दोस्तों, आप लोगों को सोने से फुर्सत है नहीं, 4 बजे मैं चलाता था आप लोग सोते थे, तो जब दोस्तों सोएंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा बताइए। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, आप नौकरी पाए दोस्तों, तो सोना मना है दोस्तों, दिन में तो आप मत सोइए दोस्तों, अगर आपको सोना ही है दिन में तो आप दोस्तों 1 बजे से लेकर 3 बजे तक सो लीजिए, आप 2 घंटे, 1 बजे से 3 बजे तक, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सो लीजिए दोस्तों। 3 बजे के बाद आप उठ जाइए, मुंह धुलिए और लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जो सुबह 10 बजे वाली में बताया हूं उसको पढ़िए, जो बुक आप खरीदे हो उससे पढ़िए दोस्तों, पढ़ेंगे तभी जॉब मिलेगी दोस्तों, ऐसे नहीं है कि आप जो है सोते रहिए और जॉब मिल जाएगी दोस्तों। जो बच्चे लगे हैं, सोच लीजिए 4 बजे मैं पढ़ा रहा था तो केवल 8 बच्चे आए थे दोस्तों, 8 बच्चे आए थे, मुझे इतना दुख हुआ कि बताइए, मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए जो है पढ़ाता हूँ, रात रात भर मैं जागता हूँ दोस्तों, 12-12 बजे तक मैं जागता हूँ आप लोगों के लिए।
पीडीएफ बनाता हूँ, पीडीएफ के क्वेश्चन देखता हूँ, कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये देखता हूँ, पूरा एनालिसिस करता हूँ, 10 वर्षों के पेपर जो है पूरा देखता हूँ, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आए रहते हैं उसको सबको लिखता हूँ दोस्तों, उसके बाद आपको बताता हूँ, तो केवल 4 बच्चे 10 बच्चे 8 बच्चे लेकर के मैं क्या करूंगा बताइए। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोलना ही छोड़ दिया कि ठीक है नहीं बोलूंगा, आप लोग जो चाहेंगे दोस्तों आप वो करिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये नियम आपको समझ में आया कि नहीं एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग अगला चलते हैं टाइप 3 पर। जी हाँ दोस्तों देख लीजिए, कहीं समझ में ना आया हो दोस्तों बता दीजिए, टाइप 3 पर चलते हैं। छोड़िए दोस्तों आज मूड नहीं है, टाइप 3 नहीं पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है कल पढ़ाएंगे। ठीक है मैं जान रहा हूं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको नुकसान होता होगा, लेकिन दोस्तों अब मूड जो है खराब कर देंगे आप लोग ऐसे ही, तो फिर कैसे काम चलेगा बताइए। तो चलिए दोस्तों ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए ठीक है कल पढ़ाएंगे आगे, इसके कल पढ़ाएंगे, ठीक। जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में कल। कल आपकी जो मैराथन क्लास रहेगी दोस्तों उसमें जरूर आइएगा, ठीक, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने का प्रयास करिएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं देखिए उनका मैं नुकसान नहीं करूँगा, ठीक, लेकिन जो है अगर आप लोग सोएंगे और पढ़ेंगे नहीं दोस्तों कैसे काम चलेगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों कल मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।